गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आप लोगों का टेस्ट हो गया, अब हम लोग अपने आगे के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोगों ने चैप्टर 4 तक पढ़ दिया है, अब हम लोग आगे चैप्टर 5 करेंगे। चैप्टर 5 है आपका नंबर्स अप टू 100 तक के नंबर्स, ठीक है। अब देखो जैसे ये दिया हुआ, ये फ्रॉग्स हैं रेस में, देखो हु गॉट द मैक्सिमम पॉइंट, इसमें किसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट हैं, फ्रूटी के पास, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रूटी, ठीक। हु गॉट द मिनिमम पॉइंट, सबसे पॉइंट किसके पास हैं कम, डिम्पी के पास। राइट द नंबर नेम द पॉइंट रिसीव्ड बाय द, यहाँ पर देखो 35, 30, 40, 45। राइट द पॉइंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसा कर सकते हो ना। अब देखो यहाँ देखो, ये देखो ये ब्रांचेज हैं जिसमें लीव्स लगी हैं, 10 लीव्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने टेंस हैं, एक ये 10 है, एक ये 10 है, ये 10, ये सब है ना, तो कितने काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 10 हैं, तो 6 10 मिलते हैं तो बनता है 60, ठीक। उसी तरह यहाँ देखो 7 10 मिले तो बन गया 70, उसी तरह 8 10 मिले तो बन गया 80, उसी तरह 9 10 मिले तो 90, 10 10 मिले तो 100, है ना। तो चलिए हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो ये एबाकस बना हुआ है, ये वंस है, ये टेंस है, तो वंस पे तो कोई भी बीट्स नहीं है लेकिन टेंस पे बीट्स हैं, तो कितने बीट्स हैं टेंस पे काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बीट्स हैं, तो यानी कि 5 टेंस हैं, तो 5 टेंस क्या बन गए, 50 हो गया। अब उसी तरह से ये देखो कितने यहाँ पे बीट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बीट्स हैं, तो ये हो गया 60, 6 टेंस का मतलब 60। अब ये बाकी वाला आप अपने से करोगे, ओके। हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 60, तो मैं बता रहा था 6 टेंस बन करके क्या बनाते हैं 60, तो यहाँ पे कितने टेंस होंगे, 60 टेंस होंगे। हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 70, 70 में कितने टेंस है, 7 टेंस है। हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 80, कितने 80 में टेंस हैं, 8, 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 होता है, तो 8 टेंस हो गए। ये 9 टेंस हैं, यहाँ पर देखो ये 90 में 9 टेंस हो गए, और 100 में कितने टेंस हो जाएंगे, 10 टेंस हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो नंबर है उनको यहाँ पर 3 टाइम्स लिखना है और इसी नंबर नेम को यहाँ पर लिखना। देखो ये 60 है तो यहाँ पर मैंने 60 लिखा, और यहाँ पर SIXTY 60 लिखते समय बोलना भी है ज़ोर से बेटा, बोलोगे ज़ोर से तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन के अंदर एक क्रॉसवर्ड दिया गया है, यहाँ पर 10 से लेकर 90 तक के नंबर हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ऐसे नंबर है, तो हमें उनको ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग 10 को ढूंढे, तो 10 ये रहा, देखो ये 10 मिला, 20 उसके बाद 20 ये रहा, TWENTY 20, ठीक। 20 के बाद क्या ढूंढेंगे हम लोग, 30, तो ढूंढो 30 कहाँ है, है ना, तो 30 ये रहा, THIRTY 30, 40 ये रहा, FOURTY 40 हो गया। अब उसके बाद 50, 60, 70, 80 और 90 आपको ढूंढना है ना, ठीक है। तो ये आप अपना कंप्लीट करेंगे, ये आपकी एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो गई। अब देखो आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी करेंगे साथ साथ हाफ ईयरली एग्ज़ाम की। हाफ ईयरली एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट की तरह नहीं होंगे, उनमें दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे, ऑप्शंस भी होंगे, सब मिला करके होगा, ठीक। तो आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैंने ढूंढ दिया 10 ढूंढ दिया, 20, 30, 40, लो एक और ढूंढ देता हूँ, 50 भी ढूंढ दिया मैंने,
तो बाकी आप आगे ढूंढेंगे 60, 70, 80 और 90, ये आपको ढूंढना है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय।